बाकी इस बजट में भाई 240-225 में भाई आपको बहुत सारी स्पोर्ट बाइक भी मिलती है, जहाँ पे चलोगे इस बाइक पे बैठ के भाई लोग देखेंगे, कन्फर्म है कि लोग देखेंगे भाई। मतलब रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाला थोड़ा सस्ती, सबसे सस्ती वही बाइक है, तो लोग उसके तरफ ही जा रहे हैं। अगर आप ये वाली बाइक अगर ले रहे हो क्लासिक 350 और लो कोई भी मॉडल लो, तो उसमें क्या है ना, आपका भाई पर्सनालिटी उसके हिसाब से होना चाहिए कि मतलब आप थोड़ा मैच्योर हो, थोड़ा हैवी हो, हेल्दी हो, सब हो। सो हे गाइज, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज देख सकते हो, आज है अपने पास रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाला ये क्लासिक 350 स्टेल्थ ब्लैक कलर में। सो आज इसका क्या करने वाला है कि हम एक राइड रिव्यू और राइड एक्सपीरियंस लेने वाले हैं और बताने वाले हैं कि एक्चुअल में ये बाइक कैसी है, कैसी नहीं है, 2023 के हिसाब से इस वाले बाइक को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और मतलब रॉयल एनफील्ड में भाई बहुत सारा भाई वेराइटी आ चुका है, पहले उतना नहीं आता था, लेकिन भाई 2022 में इतना ज़्यादा वेराइटी आया ना रॉयल एनफील्ड में, उतना भाई मत पूछो। और एक और रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली स्पेशली एक सबसे बेस्ट बाइक है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। सो आप क्या करना कि इस वीडियो में अंत तक बने रहना और चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सो चलो अब क्या करते हैं, बाइक के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें बाइक के फ्रंट टायर के बारे में, तो आपको मिलता है 90x90 का ट्यूबलेस टायर, और पीछे में अगर बात की जाए तो पीछे में भी आप लोग को मिलता है 120x80 का पीछे में भी ट्यूबलेस टायर। फ्रंट और रियर में दोनों में ट्यूबलेस टायर आता है। और अगर बात की जाए इसके डिस्क ब्रेक का, फ्रंट और रियर दोनों में भाई ABS रिंग दिया है, मतलब दोनों ABS वाला है। सो गाइज, अगर मैं बताना चाहूँ आप लोग को एक बात और, तो इस बाइक में हल्का सा मोड भी हुआ है, जैसे ये फ्रंट हेडलाइट ग्रिल और इंडिकेटर ग्रिल देखो, और पीछे में भी सेम वही है, जैसे ये बैक लाइट और इंडिकेटर, मतलब सब थोड़ा सा ये हल्का सा नॉर्मल टचअप दिया गया है। और साइलेंसर इसका एग्जॉस्ट चेंज हुआ था, तो वो क्या है कि वो हमने बदल दिया माइलेज टेस्ट किया था। तो क्या करते हैं ना, चलते हैं बाइक पर नॉर्मली। देखो मोटा मोटी हम बात किए हैं, क्योंकि डीपली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और डीपली वाली अगर आपको चाहिए वीडियो, सो वो भी आप लोग कमेंट करना, मैं उस पर भी आप लोग को एक वीडियो ला के दे दूंगा। सो क्या करते हैं, चलते हैं बाइक पे और इसका लेते हैं राइड और बताते हैं बाइक के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव की क्या अच्छाइयाँ और क्या बुराइयाँ हैं, और जो भी मतलब जितना A to Z बाइक के बारे में रहता है। चलते हैं बाइक पे और A to Z हर एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। सो अगर बताना चाहें बाइक पे आते ही अगर बताना चाहें, तो क्या है कि इसमें देखो, इसमें आपको फ्यूल का कोई भी मतलब वो नहीं मिलता है, इंडिकेटर या जो भी हो, बस ये कि लो फ्यूल आता है तो यहाँ पे लाइट जल जाता है, और यहाँ पे इंजन चेक लाइट है, और यहाँ पे ABS का है। सो अभी देखो, जैसे ये किल स्विच ऑन किया तो यहाँ पे इंजन का लाइट जल गया, और ABS वाला भी मतलब खैर वो जलेगा जब जलना होगा तो। और बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा एनालॉग मिलता है, बहुत सारे लोग को ये वाला भी पसंद आता है, बहुत सारे लोग को डिजिटल भी पसंद आता है। सो अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, जिसको जो पसंद है। और क्या करते हैं बाइक को स्टार्ट और लेते हैं इसका राइड इंप्रेशन, राइड रिव्यू। सो आ गए हैं भाई बाइक पे और बताते हैं आप लोग को इस बाइक के बारे में। सो सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूँ ना, तो रॉयल इनफील्ड की तरफ से आने वाला जो भी बाइक हो भाई, जो भी लोग देखते हैं तो क्या कहते हैं कि भाई बुलेट जा रही है, बुलेट जा रही है। मतलब अगर क्लासिक भी रहे या इलेक्ट्रा जो स्टैंडर्ड जो भी रहे, सो आदमी क्या कहेगा उसको कि हाँ बुलेट ही जा रही है। और पर्सनली अगर बताए तो बुलेट तो दूसरा मॉडल है, लेकिन क्या है कि लोग ऐसा बना दिए हैं कि रॉयल इनफील्ड की तरफ से आने वाला जो भी जाती है, लोग क्या कहते हैं कि बुलेट ही जा रही है। सो अगर इस बाइक के बारे में बात की जाए, तो क्या है कि चलते चलते थोड़ा सा वाइब्रेशन ओ माय गॉड। सो क्या है कि इस बाइक में थोड़ा सा मतलब मेरे को नॉर्मली वाइब्रेशन हो रहा है ज़्यादा, अगर ज़्यादा RPM लेने के बाद, और बाकी सब ठीक है। और थोड़ा सा अगर मैं एक बताऊँ, देखो पुल के मामले में ना 350 के हिसाब से पुल भी इसका ठीक है, मतलब मानते हैं ये रेसर बाइक नहीं है, लेकिन हाँ पुल इसका नो डाउट एक नंबर बढ़िया है। पुल ऐसे दबा के, जैसे आदमी लेटा है ना तो ऐसे दबा के पुल करती है बाइक, मतलब भागती है दबा के, ज़रा सा भी कंजूसी नहीं करती है भागने में कहीं पर भी। सो अगर पर्सनली अगर मैं बताऊँ इसके ब्रेक के बारे में, तो ABS अगर फ्रंट और रियर में ABS होने के कारण ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो मैं, सो आगे देखता हूँ वहीं पे हम दिखाते हैं आप लोग को इसका ब्रेक ही, एक्चुअल में ब्रेकिंग कैसा है इसका। सो यहीं पे ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे है ना, और बाइक मैं 60 पे लिया हूँ, सो ब्रेकिंग भाई एक नंबर बेस्ट है भाई, क्योंकि ABS वाली मैंने बहुत सारी बाइक चला ली है, इतना बेस्ट कंट्रोल नहीं होता है जितना बेस्ट ये कंट्रोल होता है भाई। देखो अगर आप ये वाली बाइक अगर ले रहे हो क्लासिक 350 और लो कोई भी मॉडल लो, सो उसमें क्या है ना, आपका भाई पर्सनालिटी उसके हिसाब से होना चाहिए कि मतलब आप थोड़ा मैच्योर हो, थोड़ा हैवी हो, हेल्दी हो, सब हो।
लेकिन अगर आप थोड़ा दुबले पतले रहेंगे ना तो क्या है कि बाइक चलाने में लगता है कि बाइक आपको चिढ़ाती है, समझ रहे हो ना गाइस, ये थोड़ा थोड़ा फील आता है। और अगर आप ले लेते हो इसके जगह पे हंटर जो आया है, हंटर 350, भाई रॉयल इनफील्ड की तरफ से आने वाला सबसे ज़्यादा 2022 में हंटर 350 ही एक ऐसी बाइक है जो सबसे ज़्यादा सेल कराई है। तो मैं अधिकतर देख रहा हूँ आजकल लोग ना ये वाली क्लासिक 350 लेने के बजाय लोग वही वाली ले रहे हैं हंटर 350 को ही, क्योंकि वो एक थोड़ा छोटी है और मतलब रॉयल इनफील्ड की तरफ से आने वाला थोड़ा सस्ती, सबसे सस्ती वही बाइक है, सो लोग उसके तरफ ही जा रहे हैं। अगर एक चीज़ और मैं बात करूं इसके मतलब कंपटीटर के बारे में, इसके कंपटीटर में बहुत सारी बाइक आती हैं, आप लोग को पता भी होगा, जैसे इस बजट में आप लोग को ना जाने कितनी बाइकें मिल जाती हैं। तो देखो अगर मैं पर्सनली अगर बताऊं, मेरे बताने से नहीं बताने से कोई डिफरेंस नहीं होगा। एक्चुअल में ना आपको बाइक चलानी है, आपको पता चलेगा कि हाँ ये बाइक कितना चल रहा है, मतलब कैसा चल रहा है कैसा नहीं। जो भी बाइक अगर मैं बता दूं कि भाई ये बेस्ट है बाइक, आप ले सकते हो, ख़राब है नहीं ले सकते हो, ये समझो कि हम कंपनी की भाई डिसरिस्पेक्ट करना है या तारीफ़ करना है, समझो। तो इसीलिए अगर आपको लेना है तो आपको जाना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा इसका शोरूम, एजेंसी जो भी हो आपके नियर अबाउट में, मतलब जो भी बाइक आपको है भाई इस बजट में आपको लेना हो तो। बाकी इस बजट में भाई 240-225 में भाई आपको बहुत सारी स्पोर्ट बाइक भी मिलती है, आप उसके तरफ भी जा सकते हो। तो आप इतना क्या करो कि इतना आप समझ सकते हो, जो भी मतलब पर्सनली आपको पसंद रहे आप ले सकते हो उसको। और अगर इसके बाद अगर इसके हेडलाइट की बात की जाए भाई, अगर इसके सब कुछ सही हो गया, पावर भी सही हो गया है भाई, ब्रेकिंग भी सही है, अगर इसके भाई हेडलाइट की बात की जाए तो हाइलोजन तो है भाई, लेकिन नाइट में भाई एक नंबर विजिबिलिटी आप लोग को प्रोवाइड कराता है इसका भाई लाइट, एक नंबर नाइट में विजिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि ये अपनी बाइक है भाई, अपने को एक्सपीरियंस है भाई कैसा रहता है कैसा नहीं, ये नहीं कि दूसरी की बाइक है भाई लेके आदमी भाई राइड रिव्यू कर रहा है, नहीं भाई सबसे बढ़िया ये बाइक है भाई, इतना हम बता दे रहे हैं भाई। आप जहाँ पे चलोगे इस बाइक पे बैठ के भाई लोग देखेंगे, कन्फर्म है कि लोग देखेंगे भाई, भले ही आप कैसे भी रहो कुछ भी रहो लेकिन लोग आपको देखेंगे भाई अगर इस बाइक पर बैठ के चलते हो तो। एक थोड़ा सा ऊँची फील आती है भाई, ऊँची दर्जे की फील आती है इस बाइक पर बैठने से। बाकी मतलब मेरे को क्या है कि थोड़ा सा एक निगेटिव पॉइंट लगा, मतलब है ये नहीं है कि नहीं है, कुछ कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी है इन सब में, जैसे कि इसमें थोड़ा सा वाइब्रेशन का भी इशू है, वो थोड़ा सा चलो एक अलग बात है। और दूसरी बात ये है भाई इसका फ्यूल का कुछ सीन नहीं है भाई, ये नहीं है कि कितना फ्यूल है कितना नहीं, ये सब नहीं बताता है, बस ये है कि जब रिजर्व लग जाता है तो बस ये वाली लाइट जल जाती है। जैसे मैं अभी माइलेज टेस्ट किया था तो अभी वही एक लीटर फ्यूल इसमें डाला हूँ तो इसीलिए रिजर्व है, और रिजर्व में भी 4 लीटर तेल रहता है तभी रिजर्व लग जाती है। सो, एक थोड़ा सा मेरे को ये इसका निगेटिव पॉइंट लगा, बाकी बाइक ओ माय गॉड ये तो लग गया रहता भाई, बाकी बाइक एकदम परफेक्ट है नो डाउट। तो क्या करते हैं गाइस, यही एक छोटा सा इसका राइड रिव्यू था। अगर इसमें आप क्या है कि एग्जॉस्ट साइलेंसर भी लगवाते हो तो फिर बढ़िया भी है, जो भी लेते हैं ये वाली बाइक तो उसमें कंपलसरी कि भाई आदमी वो वाला लगाते ही लगाते हैं एग्जॉस्ट या मॉडिफाई। और भाई मॉडिफाई के मामले में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मॉडिफाई होता है यही वाला बाइक। सो क्या है कि अभी घर पर भी आ गया और यही एक छोटा सा राइड रिव्यू वाला वीडियो था। उम्मीद करेंगे कि भाई ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो भाई एक लाइक कर देना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कि हाँ कौन से टॉपिक की और वीडियो चाहिए, वो वाला वीडियो हम आप लोग के लिए प्रोवाइड करा देंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।